बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी टेम्पल के डिजाइन को थाईलैंड और जापान का पैगोडा डिजाइन है। इसके अंदर डांस मूर्ति भी गोल्डन पॉइंट की है। आप इसके अंदर जान फोटो कैमरा से मिलाओ। इसमें गौतम बुद्ध जी हाथ ऊपर किए, उनका जन्म स्थान नेपाल लुम्बिनी का और, हाँ, और जो बीच में कमल पे बैठे हैं बोध गया बिहार का, जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सर जो पांचों शिष्य दिखाई दे रहे हैं उसी स्तूप के पास का है। देखिए वो स्तूप दिखाई दे रहा है ना सामने पेड़ के बीच में, उसी स्तूप के पास का है जहाँ उन्होंने पहला दे दिया पांचों शिष्यों को। और सर जो नीचे लेटे हुए गोरखपुर कृषि नगर का, गोरखपुर का जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी, गोरखपुर में मृत्यु हुआ कृषिनगर, गोरखपुर के कृषि नगर कृषिनगर। और सर इस टेम्पल के डिजाइन को थाईलैंड और जापान का पैगोडा डिजाइन इसको बोलते हैं। इसके अंदर सर 9 फीट की सिंगल स्टोन मूर्ति है जो गोल्डन पॉलिश की गई है। ये 1964 में बनाया गया। आप सर इसके अंदर जा सकते हैं, फोटो कैमरा अलाउड है। यहाँ पे स्लीपर से दिखाते हैं, रास्ता दरवाजा नहीं है सिर्फ, फिर उसका बस राउंड करते हैं बुद्धिस्ट लोग जाके, फिर वहाँ पे कैंडल अगरबत्ती जला के उसकी पूजा करते हैं। ये सब सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया है। कलिंग युद्ध के बाद जब सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ तो गौतम बुद्ध के तो गौतम बुद्ध के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने इसको बनवाया था। 84,000 स्तूप और 16 अशोक स्तंभ बनाए। और सर देखिए यहाँ पे गौतम बुद्ध जी की मुद्रा है, आइए जो राइट वाला छोटी वाली है और लेफ्ट वाला जो बड़ी वाली है। यहाँ का धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, जो पांचों शिष्यों को सारनाथ में उपदेश दिए थे उसकी मुद्रा है। और जो पीछे बैठे हैं मेडिटेशन ध्यान मुद्रा होता है। और सर जो नीचे बैठे हैं बीच में अभय मुद्रा, अभय मुद्रा का मतलब सर ये होता है किसी काम को करने से पहले आपको भय रहता है कि ये काम होगा कि नहीं होगा, शंका रहता है। तो सर उसको दूर करने के लिए गौतम बुद्ध ने अभय मुद्रा का नाम रखा। अगर सर यहाँ पर फोटो लेना था तो ले सकते हैं, काफ़ी जाके यहाँ पर स्लीपर उतार दीजिए, काफ़ी जाके देखिए। निन कैमरा निन फोन इनका असली नाम होते ही है। ये गौतम बुद्ध के 11वें शिष्य थे। मैत्रेय ना होते ही जब गौतम सांची बोलता है ना इसको, क्यों सांची इसको चाइना में बोलते हैं। चाइना में इनको जैसे हमारे यहाँ धन के देवता कुबेर को माना जाता है, इसी तरह चाइना में इनको माना जाता है। ये सर गौतम बुद्ध के 11वें शिष्य थे। जब गौतम बुद्ध से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये जोर जोर से हंसने लगे, तभी से इन्होंने अपने जीवन का मकसद बना लिया लोगों को हंसाना। ये जहाँ भी जाते थे अपना भारी सा वजन दिखाकर लोगों को हंसाते थे, बच्चों के लिए खिलौने और मिठाइयाँ लेकर जाते थे। अगर सर लॉफिंग बुद्ध आपको कोई गिफ्ट करता है तो जो घर का निगेटिविटी होता है वो दूर होता है, उनको शुभ माना जाता है घर में रखने से। बिना कुछ खाए हुए तो इनका जो बॉडी है काला पड़ जाता है, इसी सर इसको ब्लैक स्टोन दिखाई देता है। यहाँ पे मैम गौतम बुद्ध जी की सारी मूर्तियाँ बस मुद्राएं अनेक हैं, जो हाथों का डायरेक्शन है उनका कुछ अलग कहना डायरेक्शन। इसके 4 लायन थे जो दहाड़ते हुए मुद्रा में, गौतम बुद्ध जी का उद्देश्य चारों दिशाओं में फैला, इसलिए इसको 4 डायरेक्शन बोलते हैं। तो नीचे 4 जानवर हैं, हाथी घोड़ा सिंह।
शेर यहाँ पे इसलिए दिखाया गया सर, गौतम बुद्ध जी के पारिवाचिक शाक्य सिंह और नरसिंह वो राजाओं से बिलोंग करते थे, वो शाक्य मुनि परिवार के थे, इसलिए सर यहाँ पे लायन को दिखाया गया। और जो सर हाथी है, गौतम बुद्ध जी जब अपनी माँ की कोख में थी, उनकी माता जी ने उसको अपने में सपने रात को देखा, इसलिए सर यहाँ पे हाथी। और सर गुल भी, गुल इसलिए दिखाया गया, उनका जन्म का प्रतीक, यौवन का प्रतीक गुल को माना जाता है, इसलिए सर गुल को वहाँ पर दिखाया गया। और सर एक बगल में घोड़ा भी है, घोड़ा इसलिए दिखाया गया 29 साल की उम्र में जब उन्होंने ज्ञान के लिए घर छोड़ा था, तो सबसे पहले उनको महल के जब दरवाज़ा खोले थे तो सामने एक घोड़ा दिखाई दिया, उसी घोड़े पे बैठ के वो चारों तरफ भ्रमण कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे घोड़ा दिखा। उनको छोड़ के ना जाइए, जब गौतम बुद्ध जी जब शरीर अपना छोड़ दिए तो उनके हाथों से जो उनके यहाँ के प्रजा थे उनका कमल उल्टा हो गया, मतलब झुक गया, तभी से यहाँ पे उल्टा कमल दिखा। ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮನೆ ತರ ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಅವ್ರು ಇದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಅವ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಸ್ತೂಪ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭ, ಅದೊಂದು ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು, ಆಕ್ಚುಲಿ 100 feet ಇದ್ದಿದ್ದಂತಿದ್ದು ಇದಾ ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಅದು, ಉಳಿದಿದ್ದ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೂಲಗಂಧ ಕುಟಿ ಪೂಜೆ ಟೆಂಪಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ವೇರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಬುದ್ಧ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿಟ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲಾಫ್ಟಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಪಂಚಾಯತನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಪಂಚಾಯತನ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವರ ಬೌದ್ಧರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳದು ಅದು ಒಂದು ಇದು. ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಆ ಥರ ತಾಜ್ಮಹಲ್ನಲ್ಲಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈ ಥರ ನೋಡಿ.